गुड मॉर्निंग क्लास 12th स्टूडेंट। लास्ट टाइम जब हम लोगों ने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में टॉपिक पढ़ा था TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, उसमें हम लोगों ने ये सीखा था कि अगर वेल लाइट रे, मतलब उसकी दो कंडीशन थी कि लाइट रे मस्ट बी ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, सेकेंड एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, देन लाइट टोटली रिफ्लेक्टेड विदाउट एनर्जी लॉस। और इस पर बेस हमने कहा था कुछ डिवाइस पढ़ लिए हैं, फॉर एग्जाम्पल मिराज, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाई प्रिज्म, और सबसे इंपॉर्टेंट डिवाइस जो हम लोग के जनरल लाइफ में यूज हो रही है उसका नाम है ऑप्टिकल फाइबर। तो आज हम लोग इसी ऑप्टिकल फाइबर के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं, लेकिन ये ऑप्टिकल फाइबर बेस्ड किस पे होगा, वन मार्क्स क्वेश्चन TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, हिंदी में पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो अब इसमें क्या है कि ऑप्टिकल फाइबर एक तरीके का वायर है, और उसको बनाया कैसे जाता है, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो ऑप्टिकल फाइबर होता है वो ग्लास का बनाया जाता है, ग्लास या क्वार्ट्ज। अब बात यह है कि ग्लास तो हार्ड होता है, अगर उसको हम बेंड करेंगे तो टूट जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहली जो मस्ट कंडीशन है, द डायमीटर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर इज अ फ्यू माइक्रोमीटर, डायमीटर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर इज फ्यू माइक्रोमीटर, यानी इसकी डायमीटर बहुत छोटी होनी चाहिए। तो अगर इसकी बहुत पतला बार के समान बारीक सा अगर एक वायर बनाएंगे तो बेंड हो जाएगा, वो ब्रेक नहीं होगा। और इसके पीछे एक रीजन ये भी है कि जब ये बहुत पतला वायर होगा तो इस पर कोई भी लाइट अगर सरफेस पे इंसिडेंट करेगी तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा अप्रॉक्सीमेट 40 से ऊपर रहेगा, मतलब 50 से ऊपर रहेगा, क्योंकि ग्लास के लिए क्रिटिकल एंगल कितना होता है, तो फॉर ग्लास क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास अप्रॉक्सीमेट आई थिंक 42 डिग्री। तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस इससे ज्यादा है तब तो TIR होगा, कम है तो TIR नहीं होगा। तो हमें ऐसा कुछ सिस्टम बनाए कि एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा 42 से या 43 से ज्यादा है। तो इसके लिए हमने इसकी डायमीटर इतनी पतली ली है कि कोई भी लाइट है जब इंसिडेंट करेगी तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल अप्रॉक्सीमेट मान लिया 10 डिग्री है, ये 90 है, तो लगभग 80 बचेगा। तो ऑलवेज किसी भी कंडीशन में एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाए। अब बनाते कैसे, तो हम सबसे पहले